खानदान में एडवोकेट है जी, माशाल्लाह 26 है। अरे भाई सच्ची बात बता दे। अच्छा मेरे जैसा बंदा एडवोकेट बन सकता? मैं फनी केसेस लड़ूं? ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है जो बाप दादा के पास जाएगी और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। डर भी नहीं रही? क्यों डरना, किस बात का, हम पठान है और वकील कोई नहीं है। कमेंट में आ गया कि हमें यही बंदी चाहिए, तो उसकी मेहरबानी में पठान होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए, इंसान तो लाजमी होना चाहिए। आंटियाँ जो है वो आजकल बहुत खिलाती भी है। आंटी कहने का मतलब है की आपने सीधा जेल में जाना। आंटी ना कहा करे कि हमारे मुल्क में लड़की अगर 35 साल की हो जाए उस वक्त वो 16 साल की हो, इंसान लाजमी होना चाहिए। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा प्यारा फैशन, बड़ा प्यारा स्टाइल कैरी किया हुआ है, कैसी है? हमेशा से इसी तरह होती है। इसी तरह? क्यों भाई इतनी इतनी फ्रेश कैसे? हमारे कोई फैशन हमें कहता फ्रेश हो। आपका प्रोफेशन कौन से वाला है? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट? आप जहाँ पे बड़े बड़े फैसले होने के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल। उधर काम करती है? बिल्कुल। अब वो छोटी सी है, वो हाइट की वजह से हूँ, एज की वजह से नहीं हूँ। आपका उधर कौन सा रैंक है जी? यहाँ हमारे इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट करती हूँ फैमिली और केसेस, और मैं क्रिमिनल केसेस करती हूँ। और कभी डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ये हमारी फील्ड है, जितनी रिस्पेक्ट जितना अच्छा इसके हलाल इसमें है, शायद मैं ये तो नहीं कहती बाकियों में नहीं, लेकिन शायद किसी और में इतना अच्छा ना हो, इतना अच्छा ना हो अगर मेहनत की जाए। मुझे आपकी बाजी भी शायद अभी आई थी, वो भी एडवोकेट थी। कितने खानदान में एडवोकेट हैं जी? माशाल्लाह 26 है। अरे भाई सच्ची बात बता दे। जिस फील्ड में आपको अच्छा रिस्क मिले और इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, कॉन्फिडेंस मिले, तो आपको तो वह। अच्छा मेरे जैसा बंदा एडवोकेट बन सकता? क्यों नहीं, पढ़े आप क्यों नहीं बन सकते? मैं फनी केसेस लड़ूं? किसी की मिरास नहीं है। हाँ जी, ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है जो बाप दादा के पास जाएगी और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। भाई आप जैसे तो आप बातें लगा रहे, डर भी नहीं रही? क्यों डरना, किस बात का, हम पठान है और वकील है। आपने घर चले जाना और मुझे उठा के ले जाना है? जब आपको पकड़े मुझे बताइए, जो सच है वो सच है। मिरास नहीं है ये पाकिस्तान, खान की फैन लगती है आप? नहीं, बात ये है कि उसके नजरिया अच्छा है। हाँ जी सही है। मुझे बताइए शादी हो गई? नहीं अभी नहीं की। ओए क्यों, अभी टाइम ही नहीं मिला, काम बहुत ज्यादा है। लंबी लाइन होगी मेरे ख्याल, शायद होगी, मैंने कभी टाइम ही नहीं मिला। क्यों भाई, अभी भी आपको कॉल्स आ रही है? ये कॉल्स मेरे घर से, वो गाड़ी खड़ी है, कह रहे हैं आ जाओ चलते हैं, अब जाने का टाइम हो गया। क्या चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए कैसा? अपनी फैमिली से बाहर निकलते हैं, मैं पठान हूँ, खटक हूँ, शुमाइला खटक। शादी इंशाल्लाह हो जाएगी जल्दी। मेरी फैमिली में मेरा एज पहले कोई नहीं है। कमेंट में आ गया कि हमें यही बंदी चाहिए, तो उसकी मेहरबानी में पठान होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए, इंसान तो लाजमी होना चाहिए। इंसान की क्या डेफिनेशन आपके नजदीक? जो दूसरों की इज्जत करना जानता हो, अपनी इज्जत भी कराए, बस ये। अच्छा अच्छा, हमें लड़कियों से नहीं पूछते? अच्छा, और मर्दों से वो उनकी तनख्वाह नहीं पूछते? अच्छा, अभी हमें किसी ने बताया कि आंटियां जो है वो आजकल बहुत खिलाती भी है। कौन सी आंटियां? पता नहीं केरी आंटी है। किसी को आंटी कहने का मतलब है कि आपने सीधा जेल में जाना। आंटी ना कहा करे किसी को, दिल खराब होता है। कोई हमारे मुल्क में लड़की अगर 35 साल की हो जाए उस वक्त वो 16 साल की हो, कोई आंटी कह दे तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहती, मेरे तो माशाल्लाह भांजे भतीजे इतने ज्यादा, वो मुझसे भी 6 फुट के हाइट है उनकी। हाँ। वो बाजी कहते हैं। आप लंबा मियां ढूंढेंगे छोटा? जो किस्मत में होगा, लेकिन इंसान लाजमी होना चाहिए और ज़हनी तौर पे भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं अल्लाह, कोई शेर व शायरी सुना दे हमें। मैं खुद शायरा हूँ। अच्छा, तो अपना शेर सुनाएगा अपना? ओए आप क्या क्या करती हैं? बस यही करती हूँ। ठीक है, शेर सुनाएगी। दर्द दे के दवा ना देना तुम, दिल दिल लगा के भुला ना देना तुम, दिल दे के दवा, दर्द दे के दवा ना देना तुम, दिल लगा के भुला ना देना तुम, घर बनाया है मैंने तिनकों से, देखना ये जला ना देना तुम, इश्क में एक ही खराबी है, अब हंसे फिर रुला ना देना तुम। बस मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ। नहीं नहीं अल्लाह ना करे, किसके लिए तो इतना दुखी शेर सुनाया? हमारे पास फैमिली केसेस इतने ज्यादा आ जाते हैं ना कि वो हम पे नफ्सियाती असर हो ही जाता है। हाँ। फिर हमारी जो सेंसिटिव, हम भी इंसान है, सेंसिटिव है, तो हो जाती है। एक जाते जाते एक शेर और सुना दे, वाइंड अप करते हैं इधर। क्या सुनाऊं, कोई एक और शेर? मैंने भी जमाना देखा है। अच्छा, रुख बदलता हवा का देखा है, मैंने भी जमाना देखा है, आशना हूँ तेरे फरेबों से।
सवाल आ गई। चले ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चिट्टा चोला, सीमे दर्जी, नसरीन खटक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट इन लोगों ने काला कोट एवे नहीं पाया, पुलिस वाला खड़ा हो जाए, गलती से रोक ले गाड़ी को, खुद ही सलूट करके था बच जाओ। गाड़ी निकाल के आ रही थी मेरे पीछे भाग के, वो लेके कहना चलान करना चलान करना, जैसे करीब आया यूनिफॉर्म देखा कहना अस्सलाम वालेकुम। आप मंथली कितना अर्न कर लेती है? ये तो फिर FBR को पता चल जाएगा तो मेरा तो कुंडा हो जाना है। औरत से उसकी कमाई और उम्र नहीं पूछते। मेरे मियां बहुत डरते थे, फौत हो गए। कभी रहमत तड़पती है कि कोई आसरा मांगे, ओए होए। कभी बेआसरा होकर दुआएं लौट आती हैं। मेरा दुख ये है कि मैं अपने साथियों जैसी नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में। यार डाडी इश्क आतिश लाई है। नकदा कोका ठर तो लब लब लभिया नहीं लभिया, मुड़िया टोला दिल हूं नहीं लगता, नहीं लगता। मैं खान के नजरिए के साथ इत्तफाक करती हूँ और चोरों के मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ मुल्क का पैसा मुल्क में लगे। 5 साल के लिए तो आ गई गवर्नमेंट उनकी। नो नेवर। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। आप देखे फिर होता क्या यहाँ पे, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत प्यारी सी हाथ हमारे समझ होते हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। और इनको देखते ही पता नहीं क्यों मेरे माइंड में गाना याद आ गया, चिट्टा चोला सीमे दर्जी, पता नहीं क्यों आ गया लेकिन आ गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नसरीन खटक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट होती हैं आप? हाँ। वो तो आपको देखे तो एक और चीज याद आ गई। जी जी जी। ढिल्लों ने काला कोट एवे नहीं पाया, क्यों पाया है तुसी दसना? बस जी ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पहनकर मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ये पहना है। और मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैं इस फील्ड में आई हूँ। अच्छा। और मुझे अगर दोबारा भी कुछ बनना पड़ा तो मैं दोबारा भी लॉयर बनूँ। अब तो आप बन गई ना? हाँ, जिंदगी में वो होता है ना, कुछ लोग पछताते हैं किसी प्रोफेशन को इख्तियार करके। हाँ। तो मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं जिस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ वो मैं मतलब जो है ये एक इबादत का पेशा है हमारा। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए नसरीन साहिबा, मैंने सुना है कि एडवोकेट की फील्ड ऐसी है कि सबसे ज्यादा तलाक के केसेस आते हैं, इसमें हकीकत है या नहीं? मेरी बात सुने, ये जब से दुनिया बनी है ना दो चीजें मौजूद है, खैर भी शर भी, ठीक है जी। और तलाक पहले भी होती थी लेकिन हमारा ये प्रिंट मीडिया होता था जी जी, और हर जगह पे हमारा मीडिया पहुंच नहीं सकता था। हाँ जी। अब चूंकि हमारा मीडिया जो है वो बहुत फैल चुका है। हाँ जी। और पूरी दुनिया में सेकंड में एक बात जो है कहीं और पहुंच जाती है, लिहाजा अब अवेयरनेस हो गई है। अब लड़कियां वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करती जो माँ बाप कहते थे तेन डोली च पाया ही मापिया घरों जा रही है तो तेरी उतो ना कबर ही कबर के लाश लेनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा अब वो जमाना खत्म हो गया। मेरी मामा को भी उनकी अम्मी ने यही कहा था जी। लेकिन बात ये है कि एक कुछ हद तक वो बात भी दुरुस्त थी कि बच्ची को शह ना देना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी बड़ी कीमती चीज है। जिंदगी बड़ी कीमती चीज है ये। आंटी आपको आपकी अम्मी ने ही कहा था? मेरी अम्मी ने मुझसे ये बात नहीं की थी, उसको पता था मेरी बेटी जो है ना वो समझदार है, समझदार और दबंग है ना, इसलिए सही हो गया।